हाय ऑल योर लवली फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ किया ब्रांड के स्पाइसेस के बारे में। किया ब्रांड का जो एक स्पाइस है वो है पार्सले, एंड जो सेकंड इसका प्रोडक्ट है वो है इटालियन सीजनिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो पार्सले, ये जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आप इंडियन डिशेस में या पास्ता नूडल्स किसी भी डिश में यूज़ कर सकते हैं, एंड जो किया ब्रांड का इटालियन सीजनिंग है, इसको आप पास्ता में, नूडल्स में एंड कोई भी चाइनीज डिश में इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे मैं पार्सले की बात करूँगी। ये किया ब्रांड का जो पार्सले है बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड ये यूज़ भी हो चुका है काफ़ी हद तक, जैसा कि आप देख रहे होंगे बिल्कुल खाली है। एंड इस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो 15 ग्राम की इसकी क्वांटिटी है। रेट इसका 99 है, MRP है। इसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सब दी गई है। इंग्रेडिएंट्स जो इसमें दिए गए हैं, इसमें दिए गए हर्ब्स, पार्सले लीव्स, बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर, रेफ्रिजरेट आफ्टर ओपनिंग, प्रीमियम क्वालिटी केया पार्सले। तो फ्रेंड्स, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्या ब्रांड का पार्सले। एंड यहाँ पे पीछे इसके प्रोडक्ट के बारे में कुछ और भी दिया हुआ है, एंड सभी फूड प्रोडक्ट्स की तरह ये भी FSSAI से सर्टिफाइड है, यानी कि अप्रूव्ड है। देखिए, इसमें दिया गया है इसके बैक साइड में कि आप इसे यूज़ इन सूप्स, स्ट्यूज, सैलड्स, पास्ता, एग्स, चिकन एंड राइस डिशेस, आल्सो फॉर प्रिपेयरिंग पार्सले टी। तो आप इसे अपने चॉइस के किसी भी डिश में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। एंड अब मैं सेकंड जो स्पाइस मैंने लिया था किया ब्रांड का, ये इटालियन सीजनिंग। इसे आप ओनली चाइनीज़ डिशेस में ही डाल के बना सकते हैं, जैसे कि पास्ता, नूडल्स, चाउमीन या जो भी चाइनीज़ मिक्स होता है उसमें आप बना सकते हैं। एंड चाहें तो आप इसे इंडियन डिशेस में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसका जो टेस्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत तेज़ सी इसकी खुशबू है। तो इसे आप बहुत कम ही क्वांटिटी में यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा ही इसकी क्वांटिटी डालने पर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है। एंड अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूं तो इसकी 35 ग्राम इसकी क्वांटिटी है। रेट इसका 99 है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 5 जून 2017 है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं वो है टमाटो 45%, आयोडाइज सॉल्ट एंड हर्ब्स, थाइम, ओरिगेनो। मैं बता दूं आपको कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही कम कभी कभी इसका यूज़ करना चाहिए, आपके ऊपर है। अगर आप लेना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो नहीं यूज़ कर सकते हैं। बट मैं कभी कभी इसका यूज़ करती हूँ जब मैं चाइनीज़ डिशेज़ बनाती हूँ। एंड इसमें दिया हुआ है बेसिल 3%, रेड चिली, एंड इसकी जो बेस्ट बिफोर है 12 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। एंड फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ रेफ्रिजरेट आफ्टर ओपनिंग। तो इस टाइप से ये है टर्किया ब्रांड की इटालियन सीजनिंग। तो ये मुझे कुछ खास नहीं लगी। एंड यहाँ भी बैक साइड में इसके आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है दिस इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ फ्रीज ड्राइड मेडिटेरियन हर्ब्स, सन ड्राइड इटालियन टोमेटोज एंड स्पाइसेस। आप इसको जस्ट स्प्रिंकल ऑन, यू कैन इसको आप इसे पिज्ज़ा पे, पास्ता पे एंड एनी इटालियन डिशेज में स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो बहुत ये खाने का टेस्ट ऐड कर देता है। बट हाँ, इसकी क्वांटिटी आप थोड़ी सी ही यूज़ करें, एंड अदर लाइक अदर फूड प्रोडक्ट्स की तरह ये भी FSSAI से सर्टिफाइड है। कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, ईमेल दिया गया है, मैन्युफैक्चर सब सारे लाइसेंस नंबर, सारी जो डिटेल्स होती हैं वो सब दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये था किया ब्रांड के पार्सले एंड इटालियन सीजनिंग स्पाइसेस के बारे में। एंड मैं आपको खोल के भी दिखा दूं।
तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, ये जो ये वाला है ये पार्सल है, बहुत कम इसकी क्वांटिटी है। एंड ये जो सेकंड है ये इटालियन सीजनिंग मिक्स है। तो फ्रेंड्स ये था किया ब्रांड के स्पाइसेस के बारे में। आई होप सो आपको मेरा ये रिव्यू हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।